Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is fourth lecture of structure of Atom. In this lecture, we are going to study about spectrum and different types of spectrum. So, first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations aapke liye aya hai, Online Program and Online Plus Classroom Program for the Preparation of JWE Neat NDA. इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो अगर आप अभी रजिस्टर करते हो सो आपको कुछ इस तरीके से बेनिफिट्स मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो उसमें हैंड रिटन नोट्स जो आप देख रहे हो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एट द सेम टाइम आपको लेक्चर के नोट्स एंड वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी सो so दैट आपको कोई भी मटेरियल मार्केट से परचेस ना करना पड़े देन देर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड वी विल बी अवेलेबल ऑन वीडियो कॉल फॉर ऑनलाइन गाइडेंस एंड डाउट सेशन एंड वी फोकस ऑन पीडोगोजी सो दैट एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी ईजी हो जाए एंड आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे क्योंकि एग्जाम वही क्वालिफाई कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहां पे मग अप करके कोई सेंस नहीं है सो आपको क्लियरिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा सो so, इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं वी विल एक्सप्लेन एडमिशन प्रोसेस एज वेल सो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्पेक्ट्रम आपने रेनबो तो देखा ही होगा सो so, रेनबो में क्या होता है वी कैन सी बैंड ऑफ कलर्स so यहां पर स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है कि जो अपने बैंड ऑफ बैंड ऑफ कलर्स देखा है उसे हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं मीन्स अगर एक हॉट सोर्स से लाइट इमिट हो रही है एंड लाइट प्रिज्म में से पास हो रही है किसमें से पास हो रही है प्रिज्म में से सो so हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का एक बैंड दिखाई देता है दैट बैंड इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम एंड जो स्पेक्ट्रम है उसके डिफरेंट टाइप भी होते हैं हमें टाइप्स भी अच्छे से स्टडी करने हैं सो वॉट इज स्पेक्ट्रम इट इज बैंड ऑफ कलर सो आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम देखिए यहां पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज एन आइटम यह एटम है एटम में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस सो so, सेंटर में आप देख सकते हो न्यूक्लियस एंड पे इलेक्ट्रॉन अभी आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जा रहा है बट पे जो ट्रांजिशन हो रहा है इस ट्रांजिशन के अच्छे से अगर हम देखें सो so, यहाँ पे लाइट वेव आ रही है एंड लाइट वेव वेवे हमने देखा यहाँ पे रेड लाइट हमें वेव में नहीं दिखी देन जैसे ही रेड लाइट इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी स्टेट में चले जाता है मीन हो क्या रहा है यहां पे लाइट एनर्जी जो है सो so, पूरे स्पेक्ट्रम में से जो रेड लाइट की वेवलेंथ है ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है अब वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है मीन क्या हो रहा है यहां पे रेड लाइट की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन ने गेन की एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई सो एनर्जी बढ़ने के वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है सो so, यहां पे हम जो देख रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे हम क्या कह सकते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है आपको समझ में आया लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है हाइयर एनर्जी स्टेट में कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद इसे कहा जाता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने देखा कि रेड लाइट एब्सॉर्ब की जा रही है देन इलेक्ट्रॉन <coughs> ने फिर से एनर्जी लूज किया एंड एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आ गया जैसे आप देख रहे हो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड अगेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट एंड इस ट्रांजिशन में, so, में क्या हो रहा है एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज कर रहा है सो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है एक्साइटेशन के वक्त ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कब जा रहा है लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद एंड आफ्टर हमने देखा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट एंड इस केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है सो सिंपल कॉन्सेप्ट है जब उसे एनर्जी मिल रही है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है एंड एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आ रहा है सो so, यहां पे हम देख सकते हैं अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम मर्ज कर रहे हैं अब ध्यान से यहां पर देखिए यहां पे हुआ ऐसा कि इलेक्ट्रॉन ने कुछ वेवलेंथ एब्सॉर्ब आब, किया एंड वेवलेंथ एब्सॉर्ब करने के बाद ये क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में चले चलेगा आप देख सक रहे हो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अब यहां पर लाइट उसमें इंसिडेंट हो रही है सो जैसे ही लाइट उस उसपे गिरती है इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया एंड एक्साइटेड स्टेट में चलेगा एंड एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आया कुछ एनर्जी लूज करके सो so, जो एनर्जी लूज किया अगर हम उसका स्पेक्ट्रम देखें तो उसे कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइट जिसमें से सम अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है सो रिमेनिंग लाइट हमें देगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अभी देखते हैं हम यहां पे लाइट आगे जा रही है लाइट आगे जाने के बाद हमें यहां पे जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है इट इज वॉट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं जो लाइट इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन कब होगा जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो इसमें से रेडिएशन हो रहा है एंड वो रेडिएशन हमें देगा एमिशन स्पेक्ट्रम सो आई होप आपको ये समझ में आया हो हम इसे और बेटर वे में समझते हैं सो एमिशन स्पेक्ट्रम सो इसमें क्या होता है कोई भी सब्सटेंस जो है उसे हम उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं बाय हीटिंग या फिर उसे रेडिएशन में एक्सपोज करके डिफरेंट मीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज सकते हैं एंड यहां पे आप देख सकते हो हॉट गैस है हॉट गैस से रेडिएशन हो रहा है अब हॉट गैस है इसका मतलब ऑलरेडी ये एक्साइटेड स्टेट में चले गया है एंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या किया गया यहां पर इसे हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया गया या रेडिएशन के रेडिएशन में एक्सपोज किया गया एंड हॉट गैस से एमिशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे सो एक्साइटेड स्टेट स्टेट से जब ग्राउंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें से रेडिएशन हो रहा है एंड उस रेडिएशन को अगर हम प्रीजम में से पास करेंगे तो so हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम एंड अगर हम बात करें यहां पर जैसे कि लाइट सोर्स है लाइट सोर्स में हमने क्या की कोल्ड गैस को एक्सपोज किया लाइट सोर्स में कोल्ड गैस को एक्सपोज किया सो so, जैसे ही कोल्ड गैस को एक्सपोज किया जा रहा है सो so, उसके वजह से क्या होगा लाइट से कुछ एनर्जी कोल्ड गैस ने एब्सॉर्ब कर ली एंड रिमेनिंग लाइट जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी हमने क्या देखा लाइट सोर्स के सामने कोल्ड गैस है एंड इस कोल्ड गैस ने क्या किया कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब किया होगा और जब लाइट एब्जॉर्ब हुई तो उसमें के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए होंगे देन देन रिमेनिंग लाइट लाइट एमिट होगी उस को अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं एंड उसका स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं तो हमें मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो यहां पे आपको तीनों स्पेक्ट्रम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे स्पेक्ट्रम कब मिल रहा है जब प्लेन लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास हो रही है क्योंकि यहाँ पे लाइट ना एब्जॉर्ब हुई है ना एमिट हुई है तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला है अगर हमने हॉट गैस का स्पेक्ट्रम स्टडी किया तो हमें क्या मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइन है एंड कोल्ड गैस का स्पेक्ट्रम हमने देखा कोल्ड गैस का स्पेक्ट्रम मीन लाइट सोर्स के सामने हमने कोल्ड गैस रखी तो कोल्ड गैस ने लाइट एब्सॉर्ब की एंड रिमेनिंग लाइट आगे ट्रांसमिट हो रही है एंड वो ट्रांसमिटेड लाइट जब प्रिजम में से पास हो रही है तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा यहाँ पे हम वैकेंट स्पेस देख सकते हैं सो so, जहां पे आप गैप देख रहे हैं वो गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इस कोल्ड गैस ने एब्जॉर्ब कर ली दिस इज अब ऑल अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम देमिशन स्पेक्ट्रम को भी टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है कंटिन्यूअसपेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हो यह भी एमिशन स्पेक्ट्रम है बट यहां पर सोर्स ऑफ लाइट का आप एमिशन देख रहे हो सोर्स ऑफ लाइट से विजिबल लाइट एमिट हुई एंड उसे प्रिजम में से पास करने पर जो स्पेक्ट्रम मिला वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रहेगा जस्ट लाइक रेनबो एंड लेकिन अगर हम बात करें हॉट गैस की सो हॉट गैस ऑब्वियसली हीट हॉट गैस है इसका मतलब उसे हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया गया था तो हाई टेम्परेचर के वजह से उसमें के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए देन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे सो so, जो एनर्जी लूज होगी उस एनर्जी को अगर हम प्रिज्म में एनालाइज करें प्रिज्म में से पास करने के बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसका स्पेक्ट्रम एनालाइज करे तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम दिखेगा लाइन स्पेक्ट्रम क्या बताएगा जस्ट वो पर्टिकुलर वेवलेंथ बताएगा जो हॉट गैस ने एब्जॉर्ब की थी सो so, ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम एंड देर इज स्पेक्ट्रम। तो ये दो किसके टाइप है एमिशन स्पेक्ट्रम के टाइप होते हैं अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है सोर्स ऑफ लाइट के सामने अगर कोल्ड गैस हमने एक्सपोज की तो कोल्ड गैस के इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे सो so, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट देन रिमेनिंग लाइट जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब नहीं की वो आगे चले जाएगी अगर हम उसे प्रिज्म में एनालाइज करते हैं प्रिज्म से पास करते हैं एंड स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू एनालाइज करते हैं सो तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें कुछ लाइन मिसिंग रहेगी उसे कहा जाता है एब्जॉर्न स्पेक्ट्रम एब्सॉर्पन स्पेक्ट्रम बता रहा है जो लाइट एमिट हो गई जो एब्जॉर्ब नहीं की गई यहां पर सो so, इसमें से जो मिसिंग लाइन है हमें पता चल जाएगा कि जो मिसिंग लाइन है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब की गई एंड लाइन स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम जो लाइट हॉट गैस एमिट कर रहा है जो लाइट हॉट गैस एमिट कर रहा है वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड जो लाइट हॉट गैस एब्जॉर्ब कर रही है वो रहता है एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम देन हमें स्टडी करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे अगर हम एक लाइट सोर्स के सामने कोल्ड हाइड्रोजन गैस एक्सपोज करते हैं

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और एटोमिक एमिशन स्पेक्ट्रम इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या बताता है इट इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम जो हॉट हाइड्रोजन गैस है हॉट हाइड्रोजन गैस लाइट एमिट करेगी एंड उसे एनालाइज करने पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है एंड इसे ऑप्टेन कैसे किया जाता है अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस में से एट लो प्रेशर मीन हाइड्रोजन गैस में हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं कैसी कंडीशन में लो प्रेशर पे सो so, हमें ब्लूइश लाइट दिखाई देती है हाइड्रोजन गैस क्या करता है ब्लूइश लाइट इमिट कर रहा है एंड दिस लाइट शो डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम अगर हम इसे प्रिज्म के थ्रू पास करने पे एनालाइज करें एंड ये जो जितनी भी लाइंस हमें दिख रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन्हें डिफरेंट सीरीज में क्लासिफाई किया गया है एंड सीरीज के नाम है लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पाशन सीरीज ब्रैकेट फन एंड हमफ्रे सीरीज एंड ये सीरीज के नाम किस बेसिस पे रख, रखे गए हैं जिन साइंटिस्ट ने इन सीरीज को डिस्कवर किया उनके नाम पे इन सीरीज को रखा गया है देन वेवलेंथ कैसे हमें मिलती है वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है हम ये देखते हैं बट उसके पहले हम एक सीरीज को समझते हैं देन हम वे फार्मूले पे रिटर्न आएंगे जैसे कि लाइमन सीरीज लाइमन सीरीज हमें कब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में एंटर कर रहा है तब जो सीरीज हमें मिलती है उसे कहा जाता है लाइमन सीरीज सो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन

स्पेक्ट्रम है वो कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगा सो so, आपको याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कहा जम कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से जम करेगा ग्राउंड स्टेट में सो so, अब हम वापस से आ जाते हैं फॉर्मूला पे सो so, हमने देखा था यहां पर कि अब वेवलेंथ हमें ऑर्बिट से पता चलती है कि कौन से ऑर्बिट से पे जम किया, हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं रिमेंबर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें दिखी थी उसकी वेवलेंथ जो है इट डिपेंड्स अपॉन टू ऑर्बिट बिटवीन विच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस मतलब हमने देखा कि हाइयर से लोअर में आ रहा है तो कौन से दो ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है उस ट्रांजिशन पे डिपेंड करती है वेवलेंथ सो यहां पे वेवलेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वेव नंबर इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इट इज आर इन अपॉन अपॉन स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रॉन कौन से में कर रहा है इलेक्ट्रॉन से से मतलब रहेगा उस ऑर्बिट वो ऑर्बिट को हम एन टू से एक्सप्रेस करेंगे एंड ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ग्राउंड स्टेट का जो ऑर्बिट है उसे हम एन वन से डिनोट करेंगे तो ये पर्टिकुलर फॉर्मुला से हमें वेवलेंथ मिलेगा आर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू होती है वन जीरो so, हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है हम यहां पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है इन सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी अदर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इनिशियली कोई भी ऑर्बिट में रहे वो कोई भी ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट से कहां पे जंप कर रहा है इन द सेकेंड ऑर्बिट सो इन बाल्मर सीरीज़ जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो विजिबल रेंज में आती है विजिबल लाइट की जो रेंज है वहां पे हमें बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ मिलेगी सो so, इंपॉर्टेंट क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट एनी अदर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जम्प करेगा इन द सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड फोर्थ टू सेकेंड फिफ्थ टू सेकेंड नी अदर ऑर्बिट से कहा जम्प करना चाहिए इन द सेकेंड ऑर्बिट सो जो टाइप का सीरीज हमें मिलेगा वो रहता है बैलमर सीरीज देन देर इज थर्ड सीरीज पाश्चन सीरीज सो so, इन पाश्चर सीरीज यहां पर क्या होता है आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जम्प कर रहा है इन द थर्ड ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट से कहा जम्प कर रहा है थर्ड ऑर्बिट में जम्प कर रहा है तो so, जो हमें सीरीज मिलती है दैट सीरीज इज कॉल्ड एज पास्टन सीरीज देन नेक्स्ट इज ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग इन टू द फोर्थ ऑर्बिट फ्रॉम एनी अदर हाइयर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट से लाइक फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ में जम्प करेगा सिक्स से फोर्थ पे जम्प करेगा सेवेंथ से फोर्थ पे जम्प करेगा सो so, जो टाइप की हमें सीरीज मिलेगी दैट सीरीज इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज सो इनिशियली हमने देखा लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा था फर्स्ट ऑर्बिट में इन केस ऑफ बैलमर सीरीज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग इन टू द सेकेंड ऑर्बिट इन केस ऑफ पाश्चन सीरीज इलेक्ट्रॉन इज जम्पिंग इन टू थर्ड ऑर्बिट इन केस ऑफ ब्रैकेट सीरीज इलेक्ट्रॉन इज जम्पिंग इन टू द फोर्थ ऑर्बिट देन नेक्स्ट इज फंड सीरीज सो इन केस ऑफ फंड सीरीज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग इन टू द फिफ्थ ऑर्बिट सिक्स से यह फिफ्थ में जम्प करेगा सेवन से भी कहा जम्प करेगा फिफ्थ ऑर्बिट में जम्प करेगा

एंड जैसे जैसे हम लोअर एनर्जी लोअर ऑर्बिट से हाइयर ऑर्बिट में जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से क्लोज होता है उसकी एनर्जी लो होती है एंड जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जा रहा है एनर्जी बढ़ते जाती है सो so यहां पर जब हाइयर स्टेट से कोई भी हाइयर स्टेट से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में जम्प कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज यहां पे एमिशन जो होता है वो यूवी रेंज का होता है वेन यहां पर एमिशन इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एमिट करके सेकेंड ऑर्बिट में जम्प कर रहा है तब हमें मिलती है बैलमर सीरीज बैलमर सीरीज में जो एमिशन होता है वो विजिबल रेंज का होता है देन इन केस ऑफ पश्चन सीरीज ब्रैकेट सीरीज एंड फंट सीरीज जो एमिशन है वो आई आर रेंज का होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम सेम आपको बोर्ड एग्जाम में भी है एंड बोर्ड एग्जाम में सेम डायग्राम मल्टीपल टाइम पूछी गई है टू मार्क्स के लिए सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट so, लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्वांटम थ्योरी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन देन, बोर्स मॉडल सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपका बेसिक्स डिपेंड करता है एंड आगे के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है सो डोंट मिस इट एंड अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आप हमें फॉलो कर सकते हो अलायंस एजुकेशन फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे भी आप अभी अपने स्क्रीन screen का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद डिजिटल अलायंस हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे एंड आपको लेक्चर पीडीएफ अगर रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो या हमें मेल आई डी पे मेल भी कर सकते हो एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग